अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हर घर में यही होता है, जब चावल बन जाते हैं ना तो मुश्किल हो जाती है खाना, के चावल कैसे बासी खाए जाएँ। चलो इसकी एक नई रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने जो चावल निकाले रात में बनाए थे, उसको निकाल के फ्रिज से, और इसको मैंने एक ग्राइंडर डाल लिया है जिसमें पीसते हैं मसाला। इस तरह से इसको छाले चावलों को एक ग्राइंडर जार में डालना है। उसके बाद मैंने इसमें एक कटोरी नाप के इसमें सूजी ली है, जो सूजी और रवा होता है ना महीन, बबलों के ऊपर मैंने सूजी डाली है, और आधा कप दही फेंटा हुआ डाला है, और इसमें आधे कप मैंने पानी डाल दिया। अब इनको बंद करके अच्छी तरह से एक महीन पेस्ट बनाना है, स्मूथ पेस्ट। देखिए बहुत बढ़िया जी पेस्ट बन गया है, सब चीज़ों का मिलाकर महीन पेस्ट बना है, बढ़िया सब चीज़ मिल गई अच्छी तरह से। अब इसको एक जार में मैंने निकाल दिया, किसी भी जार में निकाल लें इसको इस तरह से सारा। उसके बाद में रख दे 15 मिनट के लिए ढककर। 15 मिनट के बाद निकालने के बाद मैंने इसमें नमक डाला है, इसमें आधा चम्मच नींबू डाला है, और इसको अच्छी तरह से फेंट कर, और इसको भी थोड़ी देर के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने एक थाली ली, इसमें तो अच्छी तरह से तेल लगाया, या कोई भी घी आप लगाएं, इस तरह से ग्रीस कर लें थाली को, और इसको एक किनारे रख दें। एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने एक गिलास पानी डाला, और उसके बाद गैस के ऊपर रखा कढ़ाई को। उसके बाद इसमें जो बर्तन का स्टैंड होता है उसको कढ़ाई में रखा, उसके ऊपर मैंने एक थाली रख दी जो मैंने तेल लगाया था इसमें, उस पर जो बैटर रखा था 15 मिनट से ढककर, सारा बैटर उसमें थाली में पूरा पलट लिया, इस तरह सारा पलट लिया। उसके बाद ढककर लगाकर कम से कम 15 मिनट उसको मैंने तेज आंच में, फिर थोड़े से धीमी आंच में 6-7 मिनट के रखा। उससे देखिए मेरा जब अच्छी तरह से फूल चुका है, जब तक ये ठंडा हो रहा है, एक दूसरे फ्राई पैन में मैं थोड़ी सी प्याज तेल डाला, उसमें प्याज डाली, इसके लिए चटनी बना रहे हैं जो खाएंगे इसको, इसके लिए बढ़िया लाल मिर्च प्याज और की चटनी बन रही है। उसके बाद थोड़ा सा प्याज तल जाए, उसमें लाल मिर्च और थोड़े से 6-7 लहसुन डाले मैंने, उसको भी थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद एक टमाटर नॉर्मल साइज़ का, उसको भी कट करके इसमें टमाटर डाल दिया, इसको भी थोड़ा सा फ्राई किया। अब इन सबको ठंडे होने के बाद एक छोटे से जार में डाला, ग्राइंडर जार में, इसको एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है जैसे हम लोग पीसते हैं मसाला, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा पानी डालो, और इसको एक अच्छा सा पेस्ट देके तैयार हो गया। चटनी हमारी बन चुकी है खाने के लिए। उसके बाद हमने इसमें तेल डालकर थोड़ा सा कड़ी पत्ता जो राई और डालकर इसमें बढ़िया दिया तड़का। देखिए मेरी चटनी तैयार हो गई है, और तब तक ये मेरे को अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, और अब इसमें हम एक कट कर अच्छा सा मन चाहे शेप में अच्छा से कट कर लिया, अच्छी तरह से चौकोर चौकोर शेप बनाना है हमने बनाया। देखिए कितने बढ़िया बन के आया, फूल गए बढ़िया तरह से, ये सब बहुत बढ़िया तैयार हुए हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, देखिए इसको दबाकर बहुत सॉफ्ट बने हैं जो बनाए। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला आधा चम्मच करीब, उसमें राई और करी पत्ते, बिल्कुल फ्रेश करी पत्ते हैं ये, और उसमें थोड़ी सी हमने दो हरी मिर्चें बारी बारी काट के डाली हैं, और आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है, और आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है, और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी। उसके बाद अब इसमें जो भी मैंने काट के रखे थे पीस, इस तरह से इसको चावल में डालकर अच्छी तरह से को धीमे हाथ से चलाना है, और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर से नमक भी डाल दिया, और आप देखिए इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करना चारों तरफ से, सारा जितना भी मसाला ने बनाया है इसके ऊपर सारा अच्छी तरह से चढ़ जाए मसाला, मिक्स हो जाए पूरा। देखिए पूरी तरह से मसाला चढ़ते हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने फ्रेश धनिया डाला, और देखिए इतने बढ़िया रेसिपी तैयार हुई बची हुई चावल की। अब देखिए घर में सभी पसंद करेंगे, और आप बार बार इसको चावल को बचाकर ये रेसिपी जरूर बनाएंगे घर पर आए। आप इसको सुबह या शाम किसी टाइम भी इसको बना के सबको खिला सकते हैं, और जो आपको कैसा बना है ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।